जिला स्तरीय समाधान दिवस का आयोजन आज नौतनवा तहसील में हुआ। तहसील दिवस में डीएम सुरेंद्र कुमार, एसपी डॉक्टर सुकौस्तुभ सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने पहुंच फरियादों की फरियाद सुनी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं विगत दिनों भाजपा नेता भावी चेयरमैन प्रत्याशी ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने अपने घर को पालिका प्रशासन द्वारा गिराए जाने को लेकर डीएम से शिकायत की। उन्होंने कहा कि राजनीति देश का शिकार बनाकर गैर कानूनी तरीके से उन्हें घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने इस मामले में उक्त जमीन को पुनः धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश कराने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। तहसील दिवस में श्रीमान जिलाधिकारी को मैंने एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें जो है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नौतनवा सुनील कुमार सरोज द्वारा जो मेरा वैध निर्माण को अवैध बता के तोड़ा गया था, उसके संबंध में मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट कहा है कि आपका जो धारा 24 का मुकदमा दायर था, पहले उसका हम पैमाइश करवा देते हैं। उसके हिसाब से अगर किसी ने गलत तोड़ा होगा तो जिसने तोड़ा होगा उसी के द्वारा हम फिर से उसका निर्माण कराने का कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।